भाई पूरे देश में सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात हो रही है और वो है हमारे राम जी और उनका राम मंदिर। इसी बीच बॉलीवुड भी अपना कुछ लेकर आया है यार। मतलब मैं सोच रही हूँ कि बॉलीवुड इस बार हमें क्या कुछ नया दिखाने वाला है। रामायण की कहानी हम कितनी बार देख चुके हैं। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल रामानंद सागर वाली रामायण का। इंतजार रहता था यार हमें उस वाली रामायण का, लोग वेट करते थे और उसका बजट सिर्फ 7 करोड़ था। वहीं हमारे पास बॉलीवुड की तरफ से मिला आदि पुरुष जैसी रामायण का एग्जाम्पल भी है। 650 करोड़ के आसपास इसका बजट था। अब मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि इस बार नीतीश तिवारी रामायण बनाकर क्या कुछ नया दिखाने वाले हैं या फिर आदि पुरुष वाली गलतियां वापस से दोहराने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश तिवारी की रामायण हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएगी या फिर नहीं? और क्या रणबीर राम के रोल में फिट बैठते हैं? मतलब क्या ये एनिमल राम बन सकता है? हाय गाइस, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाट गर्ल। अच्छा एक बात बताओ, जब भी राम जी के बारे में बात होती है और हम सोचते हैं कि यार इसके ऊपर फिल्म बनने वाली है, एक तो आजकल तो हमारे मन में डर बैठा रहता है, दूसरा अगर राम जी का चेहरा हम याद करें तो हमारे मन में एक ऐसी इमेज बनती है जिसके चेहरे पर सरलता होगी, उसकी मुस्कान बहुत ही ऐसी होगी जिसे देखकर सुकून मिलता है, जैसे कि हमारे रामानंद सागर वाली रामायण में अरुण जी हुआ करते थे। इसी बीच में क्या रणवीर हमें इस चीज में फिट बैठते हुए दिखते हैं? क्योंकि रणवीर की लास्ट फिल्म भी ऐसी थी जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया था। और इसके अलावा अगर पुरानी फिल्मों के बारे में बात करूं तो उसमें दिल फेक आशिक दिखे। कहीं पर भी इस तरीके का रोल उन्होंने आज तक नहीं प्ले किया जिसमें वो बहुत ही शांत और सरल दिखाई दे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है हमारे लिए कि क्या रणबीर राम बन पाएंगे। एक और चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो ये कि भाई जब अरुण जी को रामायण ऑफर की गई थी तो वो उनकी मुस्कान के लिए की गई थी, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके आपके धर्म की रक्षा करके। बाकी अगर मुझसे पूछा जाए कि राम जी के रोल में मैं किसे पसंद करती हूँ तो भाई मेरा एग्जाम्पल होगा महेश बाबू का। भाई उस बंदे को देख के ही लगता है कि मतलब उसकी स्माइल इतनी प्यारी है, कितना सरल दिखता है वो, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो अभी फिलहाल आना ही नहीं चाहते। खैर राम जी के रोल के बारे में तो हमने बात कर ली है और इस चीज की तैयारी नीतीश तिवारी जो कि फिल्म के डायरेक्टर है वो 2019 से कर रहे हैं। इतने साल हो गए हैं, अभी तक वो सिर्फ स्टार कास्ट फाइनल कर पाए हैं। सीता माता के रोल में हमें साई पल्लवी देखने को मिलेगी। बढ़िया कैरेक्टर फाइनलाइज किया, इसमें तो उनका मुझे दाद देनी पड़ेगी कि हाँ भाई सीता माता जैसी दिखती हैं वो। इसके अलावा रावण में हमें यश दिखाई देंगे और हनुमान जी का नाम अगर मैं आपको बताऊंगी कि किसको फाइनल किया है तो भैया आप बोलोगे कि ये बंदा हनुमान जी के रोल में राम नाम का जाप कर भी पाएगा या नहीं। सनी देओल का नाम हनुमान जी के लिए फाइनल किया गया है। वैसे यार जब हनुमान जी के बारे में बात होती है तो हम सबके दिमाग में वही रामानंद सागर वाले दारा सिंह जी की छवि आ जाती है कि हाँ भाई वैसे होने चाहिए हमारे हनुमान जी। लेकिन यहाँ पर सनी देओल के साथ ये चीज कितनी फिट बैठती है ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। ये तो सनी पाजी के लिए भी तगड़ी अग्नि परीक्षा है। अच्छा सिर्फ यही कैरेक्टर है जिनको फाइनलाइज किया गया है, बाकी के नाम पर अभी भी चर्चा हो रही है कि किसको क्या बनाया जाए। बाकी यार एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो है रामायण के डायलॉग, क्योंकि जब आदि पुरुष आई थी तो सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी उसके डायलॉग को लेकर ही हुई थी। एक डायलॉग जरा आप भी सुन लो, कितने छपरी तरीके के डायलॉग इन्होंने इस पूरी की पूरी रामायण में हमारे लिए रखे थे। तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की। अच्छा बॉलीवुड में इससे पहले भी पुरानी कथाओं पर काफी मूवीज बनी है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जोधा अकबर, अगर आपने देखी हो तो उस मूवी के डायलॉग बहुत ही सटीक और सिंपल तरीके से लिखे गए थे। और हम इतने खुश हैं कि हमने फैसला किया है। तो भाई इस फिल्म के लिए काम किया था हैदर अली ने, तो हमारे नीतीश तिवारी यानी कि डायरेक्टर साहब को सजेशन है कि इनको रख लेना, आपको कम से कम गालियां नहीं पड़ेगी और आपकी मूवी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेगी। इसी के साथ साथ अगर आप और ज्यादा फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं तो जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब का नाम आपके जहन में पक्का होगा, तो आप उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फिल्म का म्यूजिक, इसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट पर्सन है जिनका नाम है ए आर रहमान साहब। इन्होंने जोधा अकबर का भी म्यूजिक दिया था जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से हिट गया था। अगर इस मूवी में यानी कि रणबीर वाली रामायणा में एआर रहमान साहब अपना म्यूजिक देते हैं तो नो डाउट इस मूवी के सफल होने के चांसेस थोड़े तो बढ़ ही जाएंगे। अब बस मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि 7 करोड़ के बजट में बनी रामानंद सागर वाली रामायण को क्या रणबीर की रामायण टक्कर दे पाएगी। वैसे आदि पुरुष तो इसमें बहुत ज्यादा फेल हो गई है। बॉलीवुड वाले कंटेंट के नाम पे बहुत पीछे रह जाते हैं लेकिन जब पैसा फूकने की बारी आती है तो सबसे आगे रहते हैं। नो डाउट कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हाल ही में आई हनुमान 20-25 करोड़ के बजट में बनी है, VFX का भी यूज किया है लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से फिल्म बनी है ना यार, सीरियसली हर बंदा इस मूवी को देखने पक्का गया होगा।
अच्छा आप बताओ कि आपको रणबीर की रामायण का कितना इंतजार है और क्या ये एनिमल सच में राम जी बन पाएंगे या फिर नहीं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फिल्मी जाट गर्ल यानी कि मुझे सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो।